नजर आता है, आप जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, मेरी नजर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएम, वो नाकाम रही हैं नए वोटर्स को इकट्ठा करने में, और एक यही बड़ा फैक्टर होगा आने वाले इंतखाबात के अंदर। और पंजाब के अंदर देखिए, सितम जरीफी तो ये है कि हमारे 272 की जो डायरेक्ट सीट्स के ऊपर इलेक्शन होते हैं नेशनल असेंबली का, उसका दारोमदार होता है कि कौन जीतेगा पंजाब के अंदर। और इसी वजह से हम पूरे 4-5 साल देखते हैं कि इसके खिलाफ जो है वो भी लगी हुई थी पंजाब की सरजमीन पे ही, क्योंकि उनको पता है कि तख्त लाहौर तख्त पंजाब जो है उसी की लड़ाई है, और वो फिर विफाक में हुकूमत बना देंगे। तो इमरान खान साहब ने भी यही किया 2013 के बाद। कराची के अंदर एक काफी बड़ा वोट बैंक इनको मिला था, 6-8 लाख इनको मिला था यहाँ से एमक्यू के बाद दूसरे नंबर पर, और मेरी नजर में इनकी 4-5 सीटें थी। और आपको पता है कि फिर शाम को क्या होता है, जो भी होता है वो उस डिटेल में ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत कुछ खोया कराची के अंदर। कराची के अंदर इनकी जो लोकल क्यादत है मेरे ख्याल में उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग नहीं है। फिर ये जमात इस्लामी के साथ इन्होंने सिराजुल्लाह साहब के साथ हाथ मिला के हाथ ये जो है पूरे 6 घंटे घूमते रहे। जब पहले 246 का बाई इलेक्शन था उसके अंदर इनका जो कराची के अंदर नाजिया जो वोटर है वो है लिबरल प्रोग्रेसिव, और ये बात समझ नहीं सकती। और दूसरा, इनको यहाँ पे चाहिए वर्किंग कैडर, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए। और फिर यहाँ कराची के अंदर ये इनका मसला है, और बक्के सिंध के अंदर ये मसला है कि जलसे करने से सिंध के बाशऊर जो आवाम है उनका मेरे ख्याल में नब्ज को महसूस करना, उनके मसाइल को एड्रेस करना वो अभी तक नहीं कर सके हैं। इमरान खान साहब जो खैबर पख्तूनख्वा में कर सके हैं या पंजाब के अंदर कर सके हैं, क्योंकि यहाँ पर मुमताज भुट्टो जैसी शख्सियत या फिर जो इतना फोर्स कन्वर्जन के लिए नोटोरियस आदमी है परचुंडी शरीफ का मियां मठो, उसके साथ लंच करना वहां पे घोटकी के अंदर डेल्ही के अंदर, उससे कोई अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। अभी तो इनको क्यूरियोसिटी में देखने आ रहे हैं सिंध के अवाम।